हेलो स्टूडेंट्स आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन केन एजुकेयर टुडे वी आर लर्निंग अबाउट कॉर्टोलेट्रल्स ये आपका चैप्टर है सिक्सथ मैथमेटिक्स का एंड टुडे इज अवर लेक्चर नंबर वन ओके तो स्टूडेंट्स कॉडोलेट्रल आपके चैप्टर का नाम क्या है कॉडरी देखिए ये जो कॉडोलैटरल वर्ड है ये दो वर्ड से यहाँ पर बना है फर्स्ट वन यहाँ पर कॉडरी है एंड सेकेंड वन यहाँ पर लैटरल कॉडरी का मतलब होता है फोर एंड लैटरल का मतलब होता है साइड जिस भी फिगर के यहाँ पर फोर साइड्स होती है उसे हम क्या कहते हैं क्वार्टरैटरल कहते हैं ऑलरेडी आपने एक एग्जाम्पल पता ही होगा आपको स्क्वेर स्क्वेयर के यहाँ पर वन टू थ्री एंड फोर साइड्स होते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे क्वार्टर कहेंगे ठीक है और स्टूडेंट ऑलरेडी आपने प्रीवियस जो चैप्टर था उसमें आपने ट्रायंगल्स के बारे में लर्न किया था ठीक है जिस भी ट्राइंगल मतलब ट्राई ओके ट्राइंगल मतलब जिसे यहाँ पर थ्री एंगल्स होते हैं और यहाँ पर उसे थ्री साइड्स होती है उसे हम क्या कहते हैं ट्रगल कहते हैं ठीक है थीके? तो इसी तरह यहाँ पर कॉर्ड्रिलइट मतलब जिस भी जो फिगर है शेप है उसे फोर साइड होते हम क्या कहते हैं कॉर्डल कहते हैं तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को देखिए कॉर्टल टेक फोर पॉइंट्स ए बी सी डी ऑन अ पेपर देखिए ए बी सी डी हमने यहाँ पर ले लिया सज दैट एनी थ्री ऑफ दे विल बी नॉन कोलिनियर ओके इनमें से कोई भी तीन यहाँ पर नॉन कोलिनियर होने चाहिए दिस पॉइंट आर टू बी ज्वाइन टू मेक अ क्लोज फिगर हमने क्या क्या है? इसे यहां पर ज्वाइन कर लिया ठीक है क्लोज फिगर क्लोज फिगर क्या होती है यहां पर ये ओपन नहीं होती ठीक है अगर मैंने यहाँ पर ए डी हटा दिया तो ये क्या हो जाएगी ओपन फिगर यहाँ पर बन जाएगी तो अगर मैंने यहाँ पर ए डी को कनेक्ट कर दिया तो ये क्या हो जाएगी क्लोज फिगर यहाँ पर बन जाएगी बट इन सच अ वे दैट वेन एनी टू पॉइंट आर ज्वाइन द अदर टू मस्ट लाई ऑन द सेम साइड ऑफ दैट लाइन ओके यहाँ पर क्या करना है देखिए दिस पॉइंट आर टू बी ज्वाइन टू मेक अ क्लोज फिगर बट इन सच अ वे दैट वेन एनी टू पॉइंट आर ज्वाइन ओके कोई भी टू पॉइंट ज्वाइन करते हैं दर टू जो अदर टू है पॉइंट मस्ट लाई ऑन द सेम साइड ऑफ दैट लाइन ओके सो द फिगर ऑप्टेन बाय फॉलोइंग द गिवन रूल इज कॉल्ड कॉड लेटरल उसे हम क्या कहते हैं कॉर्ड्रैटरल कहते हैं तो यहाँ पर ऑब्जर्व द फिगर्स बिलो एंड सेविच ऑफ द मार कॉर्टलेटर इनमें से कौन सा कॉर्डोलेटर है हमें बताना है देखिए फर्स्ट वन इज द कॉर्डलेटर दिस इज नॉट ए कॉर्ड्रैटरल दिस इज नॉट ए कॉर्डलेटरल एंड दिस इज ऑल्सो नॉट ए कॉर्ड्रीलैट्रल ठीक है सो वाई दिस इज कॉर्डलेटरल वाई दिस इज नॉट ए कॉर्डलेटल बिकॉज देखिए यहां पर वन टू थ्री एंड फोर साइड हमें दिखाई दे रही है ठीक है यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर वन टू थ्री एंड फोर दिखाई दे रहा है यहाँ पर वन टू थ्री फोर फोर साइड्स हमें दिखाई दे रही है तो हम इसे यहाँ पर कॉर्डर क्यों नहीं कहेंगे बिकॉज उन्हें क्या कहा है बट इन सच ए वे दैट वेन एनी टू पॉइंट्स कोई भी टू पॉइंट्स आर ज्वाइन अभी देखिए मैंने डी एंड सी को यहाँ पर ज्वाइन कर दिया देन ऑर्डर टू मस्ट लाइ ऑन द सेम साइड देखिए दोनों भी एक साइड की तरफ ए एंड बी यहाँ पर दोनों भी डी एंड सी के एक साइड की तरफ है मतलब बी यहाँ पर ए यहाँ पर ऐसे है क्या नहीं दोनों भी डी सी के एक साइड की तरफ ही है घर देखिए मैंने यहाँ पर इसे ज्वाइन कर दिया तो 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 इसके जो पॉइंट पॉइंट पर पर, पर है, ये तो तो नहीं हो रहा है देन उसके बाद पर मैंने ये पॉइंट और ये पॉइंट यहाँ पर कनेक्ट कर दिया तो इसके ये साइड पे एक पॉइंट है यहाँ पर अनदर पॉइंट है तो ये यह भी यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है और ये यह भी यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है सो देअर फॉर फिगर नंबर वन इज दैट ऑफ द कॉटर ये जो फिगर नंबर वन है ये क्या है

अ कॉडलेटल कैन बी नेम बाय स्टार्टिंग एट एनी वर्टेक्स आप कोई भी वर्टेक्स इसे स्टार्ट कर सकते हो एंड गोइंग सीरियली मतलब देखिए सीरियली आपको जाना है यहाँ पर देखिए यहाँ से मैंने स्टार्ट किया तो आप यहाँ से इस साइड पर जाते तो यहाँ से ही आना है आप यहाँ से दिन यहाँ से दिन यहाँ से ऐसे नेम नहीं कर सकते ठीक है So and going serially either clockwise or anti-clockwise around the figure. When writing the name of quadrilateral, a sign like this, okay? ye kya hai Quadrilateral ka sign hai Is put in a place of the word quadrilateral. ठीक है? So A B C D. मैंने ऐसे count किया. या तो आप यहाँ पर A D C B या यहाँ पर count count कर सकते हो. ठीक है? So reading देखिए यहाँ पर quadrilateral A D C B. या तो दें उसके बाद quadrilateral D C B A. डी सी बी ए सी बी ए डी बी ए डी सी ऐसे भी कर सकते हैं और इसका लिखेंगे कैसे तो यहाँ पर स्क्वेयर का सिंबल देना है रेक्टेंगल का सिंबल ए डी सी बी कॉडलेटल डी सी बी ए क्वोलेटल सी बी ए डी देन कॉडलेटल बी ए डी सी ऐसे आप यहाँ पर लिखेंगे ओके तो मतलब कॉडोलेट का सिंबल देन ए बी सी डी आप यहाँ पर लिखोगे ओके

दीज आर द साइड ऑफ एडिलेटर ए बी सी डी है कॉमन वर्टेक्स एके इनका कॉमन वर्टेक्स कौन है यहाँ पर ए इज द कॉमन वर्टेक्स ऑफ ए बी एंड एडी साइड ए बी एंड एडीसन साइड उसे हम क्या कहेंगे सो नेम दाइड इन द फिगर एलॉन्ग साइड ठीक है यहां पर अभी देखिए ए बी एडी यहां पर लिख लेते पहली सो so, यहां पर क्या लिखेंगे साइड लिखेंगे सेगमेंट आपका कहना है सेगमेंट ए बी एंड सेगमेंट ए डी यहां पर होगा देन उसके बाद यहां पर बी कॉमन वर्टेक्स लेते देखिए यहां पर सेगमेंट ए बी या तो आप यहां पर बी ए भी लिख सकते हो तो बी ए एंड सेगमेंट बी सी भी आप यहां पर लिख सकते हो देन उसके बाद सेगमेंट सी बी एंड सेगमेंट सी डी ठीक है ये वाली और ये वाली ठीक है वर्टेक्स इनका कॉमन सी है एंड सेगमेंट डी uh, सी एंड सेगमेंट डी ए यहाँ पर बनेगा ठीक है कॉर्डोलेटल हैव अमन वर्टेक्स जो भी यहां पर कॉर्डोलेट्रल है उसके एडजस्टन साइड होती है उनको एक कॉमन वर्टेक्स होता है ठीक है so, सो आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा सुनास्ट कॉन्सेप्ट देखिये अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अपोजिट साइड्स ऑफ ए कार्टोलेटरल इन कॉर्डोलेट्रल ए साइड्स ए बी एंड डी सी हैव नो कॉमन वर्टेक्स देखिए यहाँ पर ए बी एंड डी सी इन दोनों को यहाँ पर कोई भी कॉमन वर्टेक्स नहीं है तो साइड ए बी एंड साइड डी सी आर अपोजिट साइड देखिए ए बी के अपोजिट पे डी सी है सो सुधेर फोर दिस टू आर द अपोजिट साइड ऑफ द कॉर्टिलेटर सो नेम द पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ दिस दिसल पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर कौन कौन से है देखिए सेगमेंट ए बी एंड सेगमेंट डी सी यहाँ पर बनेगा करेक्ट ये वाली और ये वाली और ये वाली और ये वाली, और ये वाली, और ये वाली, वाली बन जाएगी तो सेगमेंट ए डी एंड सेगमेंट बी सी यहाँ पर बनेगी सो देर फोर अपोजिट साइड ऑफ द कॉर्टोलेटल डू नॉट है जो भी यहाँ पर कॉर्टोलेटल के अपोजिट साइड होते हैं उन्हें यहाँ पर कॉमन वर्टेक्स नहीं होता है ठीक है सो नेक्स्ट वन अभी अब तक हमने साइड देखा कॉर्टोलेटल का नेम देखा तो अभी हमें देखना है एडजस्टन एंगल्स ऑफ अ कॉर्टोलेटल ओके जैसे यहां पर देखिए टेक फोर स्ट्रॉज और स्ट्री स्ट्रीप्स ऑल डिफरेंट लेंथ जॉइन देम टू टू अदर मेक अ अटूलेटर ड्रॉ इट्स फिगर वी गेट द कॉर्टुलेटर डी ई एफ जी द टू एंगल्स डी ई एफ ये वाला एंगल एंड एंगल जी एफ ई जी एफ ई ये वाला एंगल ठीक e, okay, है हैव अ कॉमन आर्म ई एफ ओके इनको यहां पर एक e, कॉमन आर्म है यहां पर ई एफ एंगल्स आर नेबरिंग और एडजस्टन एंगल ओके ये दोनों क्या है यहाँ पर एडजस्टन एंगल यहाँ पर हो जाएंगे उसी तरह नेम द एडजस्टन एंगल कॉर्डलेटर डी ई एफ जी ओके सो सबसे पहले यहाँ पर वही लिख लेते हैं सो डी एंगल डी ई एफ एंड एंगल जी एफ ईके जी एफ ई यहां पर हो जाएगा ठीक है सेकेंड अभी लिख लेते यहाँ पर ये दोनों हो गए तो हम क्या करते हैं अभी ये वाला और ये वाला लेते हैं ठीक है सो एंगल ई एफ जी एंड एंगल एफ जी डी ओके सो एंगल एफ जी डी यहाँ पर हो जाएगा ठीक है आफ्टर दैट ये वाला और ये वाला लेंगे सो एंगल एफ जी डी एंड एंगल जी डी ई यहाँ पर होगा ठीक है एंड लास्ट वन डी एंड ई यहाँ पर ठीक है सो एंगल जी डी ई एंड एंगल डी ई एफ यहां पर हम ले सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर हमने फोर एंगल्स यहाँ पर लिख दिए एंगल्स ऑफ अ कॉर्टोलेट्रल विच हैन कॉमन आर्म ओके जिसे यहां पर वन कॉमन आर्म होती है आर कॉल्ड एडजन एंगल्स ऑफ द कॉर्टोलेट्रल उसे हम क्या कहते हैं एडजन एंगल कहते हैं कॉर्टोलेट्रल के ठीक है सो आई थिंक ये कंसेप्ट आपको समझ में आ चुकी होगी तो स्टूडेंट्स आइए भी देखते हैं नेक्स्ट वन नेक्स्ट यहाँ पर अपोजिट एंगल्स ऑफ अ कॉर्टोलेट्रल

सो एंगल डी ई एफ एंड एंगल डी जी एफ देखिये जी के तुरंत सामने यहाँ पर जी है तो इसे भी हम यहाँ पर अपोजिट कह सकते हैं सो एंगल डी ई एफ एंड एंगल डी जी एफ लाई अपोजिट अदर हेंस दे आर द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ओके ये क्या है अपोजिट एंगल्स है किसके क्वाड्रिलेटरल के सो नेम द अदर अपोजिट एंगल्स इन द फिगर फर्स्ट वन एंगल अपोजिट टू एंगल ई एफ जी इज ई एफ जी का अपोजिट कौन हो होगा so e यहाँ पर एंगल D होगा सो वी राइट डाउन एंगल जी डी ई यहाँ पर होगा ठीक है ना एंगल अपोजिट टू एफ जी डी एफ जी डी कहाँ पर एफ जी डी ये वाला है तो इसका अपोजिट ये वाला हो जाएगा सो वी राइट डाउन यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगल डी ई ठीक है सो द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल विच डू नॉट हैव अ कॉमन आर्म आर कॉल्ड

ए एंड सी को मैंने यहां पर कनेक्ट कर दिया एज ऑल्सो बी एंड बी एंड डी को भी मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है सेगमेंट ए सी एंड बी डी आर द डायनल ऑफ द कॉर्ट्रोलेट्रल ए सी है एंड बी डी है ये क्या हो जाएगी मेरी डायगोनल हो जाएगी किसकी कॉर्ट्रोलेट्रल की ठीक है सो द डायगोनल ए सी ज्वाइन दर्टाइसेस ऑफ द अपोजिट एंगल एंगल ए एंड एंगल सी यहाँ पर बनेगा द लाइन सेगमेंट विच ज्वाइन द वर्टाइसेस ऑफ द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ कॉर्ड्रैट्रल आर द डायगोनल्स ऑफ द कॉर्ड्रिलैट्रल ओके आई बात समझ में सो द लाइन सेगमेंट विच ज्वाइन द वर्टाइसेस ऑफ द अपोजिट एंगल्स ऑफ कॉर्ड्रैट्रल आर द डायगोनल्स ऑफ द कॉर्ड्रिलैट्रल ओके सोना नेक्स्ट वन अभी नेक्स्ट देखिए यहां पर एक एक्टिविटी है कट आउट अ पेपर इन द शेप ऑफ अ कॉर्टोलेटर आपको क्या करना है कॉर्टोलेटर का पेपर यहाँ पर कट करना है सो मेक फोल्ड इन इट दैट ज्वाइन द वर्टाज ऑफ अपोजिट एंगल ठीक है हमने कर दिया इसे फोल्ड कर दिया वॉट कैन दिस फोल्ड इस कॉल इस फोल्ड को हम क्या कहेंगे येस yes, इसे हम कहते हैं डायगोनल ओके यहाँ पर यह भी हो गया तो इसे भी क्या कहेंगे, कहेंगे. Okay. यहाँ पर डायगोनल कहेंगे ओके टेक टू ट्रायंगुलर पीसेस आप यहां पर टू ट्रायंगुलर पीसेस लिया मैंने यहां पर देखिए ये वाला और ये वाला मैंने ले लिया

यहाँ पर हमें एक कॉर्टोलेटल यहाँ पर मिल गया ठीक है सो ज्वाइन द ट्राइंगल सो दैट दाइड्स लाइ साइड बाई साइड वॉट फिगर डू वी गेट तो यहाँ पर हमें कॉर्ट मिलता है सो वी यूज टू ट्राइंगल्स टू ऑप्टेन अटैटल द सम ऑफ द थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 एटी डिग्री ऑलरेडी हमें पता है थ्री एंगल्स जो होते हैं ट्राइंगल के उनकी सम क्या होती है 180 एटी डिग्री होती है हेंड्स देखिए यहाँ पर इस ट्राइंगल की 180 है तो इस ट्राइंगल की 180 मतलब ये जो डायग्राम यहाँ पर बन रही उन सभी के यहाँ पर क्या हो जाएगी एडिशन करेक्ट व्हाट विल बी द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल बी 360 डिग्री यहाँ पर बन जाएगा यस करेक्ट सो देखिए अभी फिर से उसे समझ लेते हैं ड्रॉ क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ वन डायगोनल ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल एंड डिवाइड इट इन टू टू ओके एंगल्स इन द फिगर आप क्या करेंगे यहां पर सभी एंगल्स यहां पर मेजर करेंगे इज द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द फोर एंगल्स ऑफ द कॉडर एट्रल इक्वल टू द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द सिक्स एंगल्स ऑफ द टू ट्राइंगल्स येस वेरीफाई दैट इज दिस इज सो विथ अदर कॉटरलैट्रल ठीक है आप चेक करोगे ठीक है सो यहाँ पर वन टू थ्री इनके एडिशन वन एटी

वन एटी डिग्री ये कंसेप्ट आप यहाँ पर नहीं भूलेंगे ओके इसे स्टार मार्क करके आपके नोटबुक में लिख के रखिए ठीक है सो नेक्स्ट so, अभी है पॉलीगॉन्स अब तक हमने कॉडलेटल के बारे में लर्न किया अभी पॉलीगॉन होता क्या है देखिए यू मस्ट हैव सीन द फाइव पिटल फ्लावर्स ऑफ टगार देन कुंदा एंड सदाफुली यस ड्रॉ पिक्चर ऑफ वन ऑफ दोज फ्लावर्स ओके हमने पर यहाँ पर देखिए पिक्चर यहाँ पर ड्रॉ कर दिया ज्वाइन द टिप्स ऑफ द पिटल्स ओके okay, पेटल जो है उसके वन बाय वन व्हाट इज द फिगर यू गेट द क्लोज फिगर ऑफ इन दिस वे बाय जॉइनिंग फाइव पॉइंट्स बाय फाइव लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड पेंटागॉन उसे हम क्या कहते हैं पेंटागॉन कहते हैं ठीक है सो वन टू थ्री फोर एंड फाइव उसे हम क्या कहते हैं पेंटागॉन कहते हैं ठीक है सो राइट द नेम्स ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द पेंटागॉन क्या है यहां पर देखिए ए बी सी डी एंड ई ठीक है सो नेम द साइड ऑफ द पेंटागॉन यहां पर कौन कौन से साइड है देखिए यहां पर सेगमेंट ए बी ठीक है सेगमेंट ए बी सेगमेंट बी सी सेगमेंट बी सी सेगमेंट सी डी सेगमेंट डीई सेगमेंट ई ए या तो ए भी यहां पर कह सकते हो ठीक है वन टू थ्री फाइव ओके फोर फाइव एंगल ए बी सी ये वाला एंगल बी सी डी दे ए बी यहाँ पर बनेगा सी इफ यू कैन समाइम्स फाइंड प्लेयर्स ऑन फील्ड फॉर्मिंग अ पेंटागॉन देखिये यहां पर वन टू थ्री फोर फाइव यहाँ पर यह क्या है पेंटागोन यहां पर बन रहा है सो ट्राइंगल्स कॉर्डोलेटल्स पेंटेगॉन्स एंड ऑदर क्लोज फिगर विथ मोर देन फाइव साइड्स ओके आर कॉल्ड पॉलीगॉन्स ओके मतलब ट्राइंगल्स जिसे थ्री साइड्स होते हैं कॉर्डोलेटल जिसकी फोर साइड्स होती है पेंटेगॉन जिसके फाइव साइड्स होते हैं एंड और मोर देन फाइव साइड्स, ओके फाइव साइड से भी ज्यादा जो भी यहाँ पर फिगर होती है जो क्लोज फिगर होती है उसे हम क्या कहते हैं पॉलीगॉन्स कहते हैं ठीक है मतलब ट्राइंगल इज ऑल्सो पॉलीगॉन

पेंटागॉन कहते हैं अगर यहाँ पर सिक्स साइड्स हो मतलब देखिए इस टाइप का यहाँ पर एक पॉलीगोन यहाँ पर बन रहा हो तो इसे हम क्या कहते हैं कहते हैं ठीक है ये हो गया पेंटागॉन ये हो जाएगा हेग्जागॉन ठीक है देन आपको यहाँ पर सेवन साइड एंड एट साइड्स को क्या कहते हैं ये आपको असाइनमेंट के लिए ठीक है तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हमने क्या लर्न किया आज के लेक्चर में हमने लर्न किया वॉट इज बिन बाय कॉर्डोलेटल कॉर्टोलेटल क्या होता है उसके प्रॉपर्टीज हमने लर्न किया के कौन कौन से प्रॉपर्टी है क्वाड्रिलेटरल में यहाँ पर उसके एडजेसन साइड किसे कहा जाता है उसके एडजेसन एंगल किसे कहा जाता है अपोजिट एंगल क्या होता है डायगोनल क्या होता है ठीक है देन हमने यहाँ पर पॉलीगॉन लर्न किया पॉलीगॉन किसे कहेंगे ट्राइंगल कॉर्डिलेटर एंड पेंटागॉन एंड फिगर विच इज क्लोज वन एंड विट इज विच है साइड्स ग्रेटर देन फाइव उस सभी को हम क्या कहते हैं पॉलीगॉन कहते हैं ठीक है सो आई थिंक ये सभी कंसेप्ट आपको समझ में आ चुकी होगी तो आज का लेक्चर हम यहाँ पर ही एंड कर रहे हैं थैंक यू